गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नुसरत जहां फैशन एंड लाइफस्टाइल और मैं हूं नुसरत। तो गाइस आज की इस बिजी लाइफ में हमें वक्त ही नहीं मिलता, तो ऐसे में अगर हम अपने बालों पर ध्यान नहीं देते हैं तो होता ये है कि हमारे बाल बहुत ही बेकार होते चले जाते हैं। आज के टाइम में बाल झड़ना बहुत ही आम सी बात हो गई है। बालों में रूसी होना, बालों में इचिंग होना, ये सारी परेशानी बहुत ही आम हो गई है। और हमें ऐसे टाइम में कोई ऐसी चीज़, घरेलू चीज़ चाहिए होती है जो इंस्टेंट काम करे और इंस्टेंट वर्क करे और वो बहुत ही शुद्ध हो, जो कि हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके। और ये सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम नेट पर सर्च करते हैं कि हमारे बालों के लिए कौन सा तेल अच्छा रहेगा जो कि हमारे बाल ड्राई ना हो और हमारे बाल बहुत ही सिल्क एंड शाइन मजबूत नज़र आए। तो गाइज इसमें आज हम बताते हैं ऑनियन ऑयल, यानी कि घर में ये बहुत ही बढ़िया रहेगा कि आप घर में इसको रेडी करेंगे और बहुत ही आसानी से ये बन भी जाएगा। तो आपको आज कुछ ख़ास ट्रिक्स में मैं आपको बताऊँगी और इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आखिर तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मैंने किस किस इंग्रेडिएंट्स के साथ इस ऑयल को रेडी किया है। तो इसमें खास वो चीजें डालेंगे जो हमारे बालों को बहुत ही मजबूत बनाएगा। तो गाइस अगर आप इस ऑयल को सही ट्रिक के साथ यूज करेंगे तो आपके बाल बहुत ही लंबे, मजबूत, घने हो जाएंगे और असमय सफेद नहीं होंगे। यानी कि अगर आपके बाल या आपकी उम्र नहीं है तो उम्र से पहले आपके बाल सफेद भी नहीं होंगे। ऐसे इसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं जो आपके बाल हमेशा ब्लैक एंड शाइन बने रहेंगे। तो गाइस बाल हमारे भले ही छोटे क्यों ना हो मगर मजबूत होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और गाइस आपको बता दूं कि ये इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मेहंदी का हरा पत्ता, जो कि इसका पेड़ होता है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। थोड़ा आपको ये मेहंदी का हरा पत्ता लेना है। फिर यहाँ पर सेकंड है, ये है हमारा करी पत्ता, जो कि आपको किसी भी वेजिटेबल शॉप पर मिल जाएगा। तो करी पत्ता भी आपको इतनी क्वान्टिटी में लेना है। और यहाँ पर मैंने लिया है 10 से 12 लीफ तुलसी के पत्तों की, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से तुलसी के पत्तों को भी लेना है, जो कि आपके घर में इजीली मिल जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने लिया है 2 आंवला, जो कि मीडियम साइज़ का था, तो यहाँ पर मैंने 2 आंवला लिया है, उसको अच्छे तरीके से बारीक से कट कर लिया है। फिर आप यहाँ पर देखिए मैंने सूखा ऑनियन लिया है, यानी कि एकदम सूखा ऑनियन होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा सूखा ऑनियन लेकर, अगर छोटा साइज़ का है तो इसको छोटा साइज़ का है तो इसको 4 लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिया है मेथी का पाउडर, उसको घर में ही पीस लिया था। और यहाँ पर फिर है 1 लीटर ये नारियल का तेल, यानी कि ईजिली आपको ये सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाएंगी और आप इसको अपने घर पर ही इस तरीके का देसी ऑयल रेडी कर लेंगे जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। तो गाइज इसको कैसे बनाना है आपको अपने घर पर, तो इसे जानने के लिए आप लास्ट तक देखते रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को प्रेस कर दे, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्सी के जार में रखकर इसको पीस दिया है। आप देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ इस जार में रख के पीसना है, थोड़ा थोड़ा। अगर आपका जार छोटा हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, बड़ा है तो एक साथ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पीस लेना है और पीस के आपको यहाँ पे बताऊंगी मैं आगे कि इसकी थिकनेस आपको कितनी रखनी है। बहुत ही बारीक आपको नहीं पीसना है इसकी थिकनेस। फिर इसके बाद इसमें ऐड करना है ये मेथी पाउडर, जो ऑलरेडी मैंने पहले से अपने पास पीस कर रखा हुआ है। इसी इंग्रेडिएंट्स में इसको डालकर मिक्स करके पीस लेना है। और गाइस इसमें ध्यान रखना है इसकी जो थिकनेस है वो इसी तरीके से होनी चाहिए, बहुत ही बारीक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको पूरा मिक्स कर लेना है इसको पीस कर। और आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ पीस कर एक कढ़ाई में पहले थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसी नारियल के तेल को डाला है और इसमें सारा इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। फिर इसमें जब सारी चीज़ें पीस के इसमें डाल देंगे तो फिर आपको एक स्पून, एक चम्मच की हेल्प से आपको इसको चलाते रहना है। तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो गाइस इस तरीके से आपको इसको चलाते रहना है अच्छी तरीके से, जैसे ये ऑयल में मिक्स हो जाए, जितना थोड़ा मैंने ऑयल डाला है उसमें ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इजीली तरीके से।
तो आपको भी इसी तरीके से करना है। और गाइस आपको बता दूं, वाकई में ये तेल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपके बाल बहुत ही कमज़ोर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस आपने देखा ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, तो इसमें मैंने धीरे से फिर थोड़ा सा ऑयल डाला। यानी कि आपको ये प्रोसीजर, ये जो एक लीटर का ऑयल मैंने दिखाया आपको, नारियल का तेल, इसको आपको एक साथ ही पूरा नहीं डालना है, इसको आपको थोड़ा थोड़ा डालना है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे वो फ्लेम जल रहा है और मीडियम फ्लेम में मैंने रख के इसको पका रही हूँ, इसको कर रही हूँ, तेल को रेडी कर रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है। और यहाँ पर मैंने पूरा एक लीटर ऑयल डाल दिया है इस पूरे इंग्रेडिएंट्स में जो आपको मैंने दिखाया, और ये देखिए पूरा ऑयल डाल दिया है, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, पूरा ऑयल डालने के बाद इसको चलाते रहना है। इसका जो मेन प्रोसीजर होता है वो चलाना, यानी कि अगर आप इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम में रहेगा तो आपको इसको जलने भी नहीं देना है, और इसको चलाते रहना है इस तरीके से, आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। बीच बीच में आप बैठ भी सकते हैं। और गाइस यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कम से कम 20 मिनट के बाद ये तेल ऐसा हो गया। 20 मिनट तक इसको चलाया, चलाने के बाद ये 20 मिनट के बाद तेल की आप देख सकते हैं कि तेल की थिकनेस इस तरीके की हो गई है, और तेल दिखने में भी इस तरीके का हो गया है। और ये तेल हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर छान लेंगे। इसको छानना कैसे है, क्योंकि इसको छन्नी से नहीं छानना है, आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको इस तरीके से आपको एक टोप में बांधकर उस ऑयल को एक कप की हेल्प से इस तरीके से छान लेना है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर कैसे छाना है। यहाँ पर आपको एक लोगों की और हेल्प लगेगी, क्योंकि एक लोग उस पर उस कपड़े को पकड़ेंगे, फिर एक लोग उस ऑयल को डालेंगे। और गाइस ये थोड़ा सा गर्म है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, जैसे इजीली अगर अपने आप वो तो ऑयल जितना निकल जाए उतना निकलने देना है, और अगर आपको गर्म लग रहा है तो थोड़ा उसको अपने चम्मच से आप इसको दबा दबा कर इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा वेट भी कर लीजिए जब तक ये ठंडा हो जाए। तो गाइस ये हमारा ऑयल रेडी हो गया है। और ये गाइस ये जो ऑयल है ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑयल है, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने पहले 1 मंथ तक यूज़ किया और मुझे पसंद आया, तब मैंने ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है। तो गाइस एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, डेफिनेटली आपको ये ऑयल बहुत ही पसंद आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑयल आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, मजबूत बनाएगा, शाइन करेगा, और जो बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं उनको रोकेगा। वाकई में ये ऑयल बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज।